ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे डाइवोर्स के ऊपर कुछ सवाल जवाब, यानी कि डाइवोर्स के रिगार्डिंग कुछ लोगों को सवाल जवाब होते हैं कि कुछ डाउट्स होते हैं, वो डाउट हम एक एक करके देखेंगे। ओके, तो पहला डाउट ये है कि भाई ऐसा कोई उपाय है जिससे हम मेंटेनेंस से बच सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेंटेनेंस से बचने के लिए आपको या तो प्रूव करो कि जो वाइफ है वो कमाती हो, या उसका चेक करो यानी अर्निंग वो एडल्ट्री में हो, ठीक है, या फिर उसने दूसरी शादी कर लिया है, या उसका कोई रिलीजन उसने चेंज कर लिया है, तब जाके जो मेंटेनेंस है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज आपको डाइवोर्स के बाद, जैसे ही आपका डाइवोर्स हुआ है ना, तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक साथ मेंटेनेंस दे सकते हैं, यानी कि एक बार में सारा पचल निपटा के उसको दफ़ा कर सकते हैं, तो कितनी रूड लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो दफ़ा का तो मेरे को पता नहीं, तो आप एक साथ मेंटेनेंस पे कर सकते हो। ओके, हमारे पास ऑप्शन होता है कोर्ट में, या तो आप मंथली दे दो, या फिर आप एक साथ सम ऑफ अमाउंट एक साथ दे दो, यानी कि एक साथ सारा अमाउंट दे दो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ एडवाइस देना चाहूँगा, एक साथ आप ना दो, क्योंकि आपको एक साथ काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, क्या पता वो शादी का खर्चा भी ले ले आपसे, आप पता नहीं कितने में बात बने, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। ठीक है, तो इतने पैसे देने से अच्छा है आप मंथली कंटिन्यू रखो। ठीक है, जितना भी बनता आपका महीने देते रहो, अगर आपका बजट है, आपको लगता है भाई मैं निपटा सकता हूँ, तो भाई दे दो हमें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इस डाइवोर्स से हम इस मेंटेनेंस से कैसे बचें। तो देखो बचा तो नहीं जा सकता। ओके, बचने के लिए कुछ ग्राउंड्स हैं, वो प्रूफ करने पड़ते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो कि प्रूफ होते नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट ग्राउंड डाइवोर्स का क्या है। ओके, यानी कि सबसे बेस्ट ग्राउंड जो कोर्ट को लगे वो डाइवोर्स बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो देखो बहुत जल्दी के लिए ना, हस्बैंड वाइफ दोनों राजी होने चाहिए, यानी कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है ना, 13B, सेक्शन 13B के अंदर जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, यानी कि दोनों वाइफ, हस्बैंड भी राजी है, वाइफ भी राजी है, आओ भाई ले लेते हैं, तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, वही आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज जो नेक्स्ट ऑप्शन है ना, बहुत जल्दी, यानी कि वन साइडेड डाइवोर्स का, अगर आपको बहुत जल्दी लेना है, यानी कि उसको पक्का हो जाए कि इस ग्राउंड पे आपको मिल सकता है, तो वो है कि सपोज वो उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये कि आपकी वाइफ आपसे दूर रहनी चाहिए, आपने सेक्शन 9 डालना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 9 डाला, सेक्शन 9 की जो डिक्री आपके फेवर में आ गई, आपको मिल गई, कोर्ट ने कहा भाई वाइफ आप अपने हस्बैंड के पास जाओ, लेकिन वाइफ फिर भी नहीं आ रही, तो एक साल के बाद, यानी एक साल के बाद भी वाइफ नहीं आई, यानी कि इसमें क्या आपका एक साल तक वेट करना पड़ेगा, एक साल तक नहीं आई, फिर आप कोर्ट में जा सकते हो कि भाई मेरी वाइफ सेक्शन 9 करने के बाद भी वापस नहीं आ रही है, तो कृपया मेरे को डाइवोर्स दी जाए। ओके, तो क्या सर हम इसमें अपील डाल सकते हैं, यानी कि अगर हमें डाइवोर्स मिल गया, और तो देखो अपील डाल सकते हैं। ठीक है, 90 दिन के अंदर टाइम होता है अगली पार्टी पे, यानी जिसको डिसीजन पसंद ना आए हो, सपोज हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड को डाइवोर्स मिल गया, वाइफ को नहीं चाहिए था, ठीक है, तो वाइफ अगली अपीलेट कोर्ट में जा सकती है उसको चैलेंज करने के लिए, यानी कि डाइवोर्स अगर हो जाता है ना, तो उसके 90 दिन तक हस्बैंड ना तो नई शादी कर सकता, क्यों, क्योंकि वाइफ के पास 90 दिन होते हैं अपील के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सपोज जो 90 दिन है वो निकल जाते हैं, तो देखो लिमिटेशन एक्ट लगता है। ठीक है, आप अपने वकील से बात कर लेना, वो लिमिटेशन एक्ट का फ़ायदा उठा के टाइम ले लेता है। ओके, वो कैसे लेता है वो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई कितना टाइम लगता है टोटल डाइवोर्स हो जाने में। तो देखो बहुत टाइम लगता है, अगर जनरल देखे तो बहुत टाइम लगता है, क्यों, पहले आपको केस फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, केस फाइल करना पड़ेगा, लीगल नोटिस जाएंगे, उनमें टाइम लगेगा, 15-20 दिन वो लगेंगे। ठीक है, फिर कोर्ट आपको तारीख देगी 6-7 महीने की, भाई एक बार और सोच लो, फिर सोच लिया, ठीक है, फिर प्रूफ भी करना पड़ेगा भाई किस ग्राउंड पे चाहिए। ठीक है, अडल्ट्री है वो प्रूफ करो, मारपीट होती है वो भी प्रूफ करो, जितना कुछ है प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, और मतलब बहुत टाइम लगता है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि भी इतने टाइम में हो जाएगा, कोई अनलिमिटेड टाइम है, आपको 3 साल भी लग सकते हैं, 2 भी 4 भी 5 भी, जितने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई चाइल्ड कस्टडी किसको मिलेगी। ठीक है, तो देखो जनरली क्या है, बच्चों का वेलफेयर देखा जाएगा, हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसकी 100% जो चाइल्ड कस्टडी वो माँ के पास ही जाएगी। ठीक है, माँ के पास ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या बच्चे भी, सपोज वाइफ है, वाइफ और हस्बैंड अलग अलग रह रहे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो वाइफ अपना भी मेंटेनेंस मांग रही है और बच्चों का भी मेंटेनेंस मांग रही है, क्या मैं एक का मेंटेनेंस दूंगा या सबका ही देना पड़ेगा। तो देखो वो तो डिपेंड करता है आपकी वाइफ के नेचर पे। ठीक है, अगर वो अपने में ही खुश है तो कोई बात नहीं है, अगर वो बच्चों का भी मांगती है तो आपको देना पड़ेगा, यानी कि आप डिनाई नहीं कर सकते, क्यों, आपके वो बच्चे हैं। अब रही बात चाइल्ड कस्टडी की, वो आप एप्लीकेशन लगा सकते हो चाइल्ड से मिलने की, जो भी आपका। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये थे कुछ डाउट्स, अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप
या तो इंस्टाग्राम पे पर्सनली बात कर सकते हैं या फिर आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपका जो डाउट है वो ज़्यादा ही पर्सनल है तो आप हमसे पर्सनली कॉल करके हमारी जो सर्विस है वो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो सर्विस थोड़ी प्रीमियम है, उसके लिए हम थोड़ा चार्ज करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी कितना चार्ज है, क्या चार्ज है, जो भी है। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। बाय।